सुबह का नाश्ता आपके पूरे दिन का आधार होता है। हम जब भी घर से निकलते हैं तो हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर से सुबह के समय कुछ खाकर निकलो, इससे आपका पूरा दिन ठीक रहता है। कहते हैं सुबह का नाश्ता हमेशा पेट भर करना चाहिए और हेल्दी नाश्ता करना चाहिए, बेशक आप दोपहर में थोड़ा कम खाना खा लो। आज हम आपको बताने वाले हैं स्प्राउट्स के कुछ फ़ायदे, साथ ही हम ये भी जानेंगे क्या किडनी के मरीज़ इसको खा सकते हैं और अगर नहीं तो क्यों नहीं खा सकते, इसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है किडनी ट्रीटमेंट इन इंडिया। और आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको स्प्राउट्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे, अपने विषय पर आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। अंकुरित अनाज, जिन्हें स्प्राउट्स के नाम से जाना जाता है, इसका सेवन अधिकतर लोग करते हैं, साथ ही ये खाने में हेल्दी भी होता है। स्प्राउट्स किसी भी अनाज से बनाया जा सकता है, लेकिन आप शायद इस बारे में नहीं जानते कि सभी तरह के अनाज का स्प्राउट बनाकर खाना आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। इसलिए स्प्राउट्स खाने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको कौन से अनाज का स्प्राउट खाना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या किडनी के मरीज स्प्राउट्स खा सकते हैं या नहीं। किडनी के मरीजों को ना सिर्फ खाने की चीज़ों का बल्कि उन्हें लिक्विड का सेवन भी बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दी जाने वाली डाइट उबली, कम तेल मसाले वाली और साथ ही कम प्रोटीन वाली होती है, ताकि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और इसका किडनी पर कोई प्रभाव ना पड़े। और रही बात स्प्राउट्स की, तो आपको बता दें कि किडनी के मरीज स्प्राउट्स नहीं खा सकते, क्योंकि किडनी के मरीजों को अनाज में केवल धुली मूंग की दाल खाना अलाउ होता है और वो भी उन्हें उबाल कर दी जाती है ताकि किडनी के मरीजों को ये डाइजेस्ट करने में आसान हो, इसलिए किडनी के मरीज स्प्राउट्स नहीं खा सकते। लेकिन हाँ, एक स्वस्थ इंसान स्प्राउट्स का सेवन अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है, परंतु इसका ध्यान रखना होता है कि उन्हें भी इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना है। आप स्प्राउट्स सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट में माना जाता है। आइए अब जानते हैं स्प्राउट्स बनाए कैसे जाते हैं। स्प्राउट्स को बनाने के लिए आप किसी भी अनाज को घंटों तक पानी में भिगोकर रखें, फिर उसको अच्छे से धोकर उसका सारा पानी निकाल लें और इसके बाद उसको एक मलमल के कपड़े में या किसी साफ कपड़े में बांधकर उसको नमी वाले स्थान पर 10 से 12 घंटे के लिए रख दें। इस तरह आप स्प्राउट्स बना सकते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या होती है, उन्हें अपनी डाइट में हमेशा परहेज करने होते हैं, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। और इतना ही नहीं, उन्हें शरीर में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें से एक किडनी प्रॉब्लम भी है। इसलिए ज़रूरी है कि जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है तो वो अपनी डाइट में स्प्राउट्स को ज़रूर शामिल करें। स्प्राउट्स का सेवन आपके ब्लड में शुगर के स्तर को कम करता है और साथ ही इंसुलिन को बनाने में मदद भी करता है, इससे आपकी किडनी भी स्वस्थ रहती है। इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट में स्प्राउट्स को शामिल करते हैं तो आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से दूर रहते हैं। स्प्राउट्स आपके शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देते, क्योंकि इसमें कैंसर बनाने वाले केमिकल को ख़त्म करने की कैपेसिटी होती है, जिससे ये उन सभी सेल्स को नष्ट कर देता है जो आपके शरीर में कैंसर की बीमारी का कारण बनते हैं। स्प्राउट्स आपके हार्ट को भी स्वस्थ रखता है। हार्ट मानव शरीर का एक अहम हिस्सा होता है। अगर आपका हार्ट स्वस्थ है तो आपके शरीर के बाकी अंग भी अपनी सही गति से चलते रहते हैं। अगर आप अपनी डाइट में स्प्राउट्स को शामिल करते हैं तो इससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती और इससे आपका हार्ट भी स्वस्थ रहता है। स्प्राउट्स आपके शरीर में एंटी हाइपरलिपिडेमिक की तरह काम करता है, जो आपको हार्ट से जुड़ी तकलीफ नहीं होने देता। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक तरह से नहीं काम करता, उन्हें शरीर में कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए आप अपनी डाइट में स्प्राउट को शामिल करें। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद सल्फोरेफेन आपके खाए हुए खाने को सही तरह से डाइजेस्ट करता है, जिससे आपको पेट से जुड़ी परेशानी नहीं होती। स्प्राउट्स खाने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहता है, जिसके लिए जरूरी है कि आप मूंग दाल और काले चने का स्प्राउट्स खाएं। स्प्राउट्स का सेवन आपकी आंखों की रोशनी ठीक करता है। इसका सेवन ना सिर्फ आपकी आंखों की रोशनी तेज करता है, बल्कि आंखों में होने वाली दिक्कत को भी दूर करता है। अगर आप स्प्राउट्स को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपके शरीर में ब्लड की कमी नहीं होती और आप थकान और कमजोरी के शिकार नहीं होते। तो ये हैं स्प्राउट्स के कुछ फायदे, लेकिन इसका सेवन भी सीमित मात्रा में ही करें और इसको सुबह खाली पेट खाएं। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ नुकसानों के बारे में, जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। इम्यून सिस्टम कमजोर वाले व्यक्ति स्प्राउट्स ना खाएं, क्योंकि उन्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है।
इसका सेवन करने से पहले स्प्राउट्स को अच्छे से धोकर साफ कर लें। राजमा के स्प्राउट्स बनाकर बिल्कुल ना खाएं, ये आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। चिपचिपे और स्मेल वाले स्प्राउट्स बिल्कुल भी ना खाएं। प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। तो ये हैं अंकुरित अनाज के कुछ नुकसान, जिनका ध्यान रखकर किडनी पेशेंट इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किडनी के मरीज इसका सेवन ना करें, ये उनकी डैमेज किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मायुर्वेदा में आपको बेहतर डाइट के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि यहाँ कुशल डाइटिशियन है जो आपको आपकी रिपोर्ट्स के अनुसार सही डाइट बताते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी, क्या नाम है पेशेंट का? पूनम श्रीवास्तव। कौन है आपके? अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी? तब साहब तकलीफ तो बहुत तकलीफ थी, उसको पानी नहीं निकल पा रही थी वो। अच्छा, 7 दिन से। अच्छा, आज वो 2 रोटी खा लेती है। अच्छा, सेहत में बहुत सुधार है, अपने आप चल फिर लेती है, बहुत सुधार है। और क्या क्या फर्क है? हर तरह से फर्क है। लेटरिन सप्ताह भर में या 15 दिन लेटरिन नहीं खाती नहीं थी, तो लेटरिन कैसे जाए? आज विधिवत जो है वो 24 घंटे में एक बार लेटरिन जाती है, अपना खाना खा रही है, फल खा रही है, हर चीज़ पच रही है। 2-4 दिन के बाद में कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है और कोई तकलीफ नहीं, सब आराम है, बहुत आराम। ठीक है, तो अभी जब आप कहाँ से आते हैं? हम फरुखाबाद से। यूपी से? यूपी से। फरुखाबाद में कहाँ से? फरुखाबाद खतरे स्टेशन के पास। अच्छा, तो जब कितने महीने हुए आपको दवाई स्टार्ट करे हुए? अभी तो 1 महीना हुआ। अच्छा, अभी 1 महीने में? अभी 1 महीना हुआ है, वो जानते नहीं थे कि इसको कोई परेशानी हुई। दवा जी ने दवा जो है वो एक थोड़ा सा डॉक्टर उसका आई, उसको हाथ पी सब जो है मलेरिया या वो था क्या नाम ये बुखार उखार थे, तो थोड़ा सा डॉक्टर उसे कराने की वजह से जो है गर्म दवाई खाने की वजह से उसके बिल्कुल चाहिए। चलिए कोई नहीं, आप लग के फॉलो कीजिए जैसे जैसे आपको बता रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे चेंजेस आपको किसी पर। ठीक है, आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।